रास्ता दिखा दे या खुदा। तुम्हारी इस नफरत की वजह से वो शख्स जिंदा दरगोर हो गया है। मुझसे बस यही पैसे अरेंज हो सके। आप अभी ये रख के ना प्लीज ऑपरेशन स्टार्ट करवा दें। मुझे माफ कर दे, मेरे हम्माद को तो सालिम वक्त ने छीन लिया मुझसे। जब तक अल्लाह का बंदा माफ ना करे, अल्लाह भी माफ नहीं करता। कदर डॉक्टर के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे पास यही पैसे हैं, आप मेरी अम्मी का ऑपरेशन शुरू कर दें, बाकी पैसे मैं आपको ऑपरेशन ख़त्म होने तक दे दूंगी। कदर उस शख्स के साथ बात करती है जिसने इसे केटरिंग का काम दिया होता है, तो वो वासे को बताता है कि कदर को पैसों की ज़रूरत है। तो वासे उसी वक्त हॉस्पिटल में जाता है और हमाद की अम्मी के पास आयादत के लिए जाएगा। हमाद की अम्मी कहती है कि मेरे बेटे हमाद को तो ज़ालिम ज़माने ने मुझसे छीन लिया है। वासे बहुत परेशान होता है, वो नजरें भी हमाद की अम्मी के साथ नहीं मिला सकता। जब वासे का कदर के साथ सामना होता है तो वो कदर के सामने हाथ जोड़ता है कि आप मुझे माफ कर दें, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन कदर इसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। दुरिया कदर के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी नफरत ने एक शख्स को जिंदा दरगोर कर दिया है।